कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी द्वारा सर छोटू राम पर दिए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते अब सैनी पर लगातार जुमारी हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में सर्व खा पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबे सिंह समीर ने सैनी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सुबे सिंह समीर ने कहा कि राजकुमार सैनी के बयानों से पता चलता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने किसानों को अपने पाँव पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। समीर ने कहा कि सर छोटू राम ने किसानों को उन लोगों से आज़ाद करवाया जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाया था। राजकुमार सैनी किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन उनकी ऐसी बयानबाजी साबित करती है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति का मेडिकल करवाने के बाद पागलखाने छोड़ देना चाहिए। हवालात में बंद कर दो सैनी को, सुबे सिंह। इस दौरान सुबे सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का मेडिकल करवाने के बाद उसे पागलखाने छोड़ देना चाहिए। अगर पागल नहीं है तो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे हवालात में डाल देना चाहिए। आजाद टीवी न्यूज के लिए टुहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। गुलाम देश के व्यक्ति को अगर राज करने वाला उनको अगर सर की उपाधि देता है, इससे बड़ी और क्या हमारे जो है वो हो सकती है कि जिस व्यक्ति का अधीन है वही हमें सर कह के बोलता है। ये तो बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धि है उनकी। और वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे जिसको ये नहीं पता कि भाई आप किसान होकर किसान की अगर कर गया तो एक किसान नहीं है, है किसी और से संबंध रखता है, तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को या तो पागलखाना में छोड़ दें और या नहीं तो इसका जो है नहीं वो करवा के मेडिकल, अगर पागल नहीं है तो फिर इसको मुकदमा दर्ज करके देशद्रोह और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए।